हेलो स्टूडेंट्स, ओके सो हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ मेंसुरेशन, राइट। अब देखो मेंसुरेशन मतलब क्या होता है। मेंसुरेशन जो है वो कहाँ से टर्म डिराइव हुआ है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट्स, राइट। मेंसुरेशन मीन्स मेजरमेंट्स। हम किसी भी चीज़ का अगर जब उसका मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन, राइट। अब मेंसुरेशन में जो मेंसुरेशन का जो टर्म है वो कहाँ से आया है, वो मेजरमेंट टर्म से आया हो, राइट। सो अब इस मेंसुरेशन चैप्टर में हम करेंगे, आपके पास दो टॉपिक है, एक है पेरीमीटर, दूसरा है एरिया, राइट। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर इज एन एच एज एन ना, पेरीमीटर मीन्स जब भी हम किसी भी क्लोज्ड फिगर का डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्रीज चेक करते हैं उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर्स, राइट। अब देखो मीन्स मतलब अगर आपके पास एक इस तरह से एक फिगर है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, राइट। अगर आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो बाउंड्री का जो डिस्टेंस होगा उसको हम मेजर करेंगे, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। द मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर, राइट। आप देखो फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, राइट। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, दिस इज 5, दिस इज 5। अब आपको बोला जाए कि राइट बाउंड पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, तो आप क्या करोगे, इन सबको प्लस करोगे। 10 + 5 = 15, 15 + 5 = 20, 20 + 6 = 26, 26 + 4 = 30, 30 + 6 = 36, 36 + 5 = 41, 41 + 5 = 46। तो आपका ये क्या बच जाएगा, 46 सेंटीमीटर पेरीमीटर, राइट। पेरीमीटर मीन्स कोई भी क्लोज फिगर का जब हम डिस्टेंस बाउंड्रीज का डिस्टेंस चेक करते हैं उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, राइट। कोई भी फिगर हो सकता है, कोई भी क्लोज फिगर हो सकता है, राइट। आप देखो कुछ शेप्स ऐसे होते हैं जैसे स्क्वायर हो गया, और जैसे रेक्टेंगल्स हो गए और इक्विलेटरल ट्रायंगल, उनके आपको पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला बनाया हुआ है, राइट। अब देखो ये वो जो फॉर्मूलाज है वो कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर का, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, राइट। स्क्वायर मीन्स इस तरह से एक शेप होगा आपके पास। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सबके साइज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा स्क्वायर में, राइट। आप देखो पेरीमीटर में हम क्या करते थे, बाउंड्रीज का सम करते थे, 5 + 5 + 5 + 5 हो जाएगा इसका मतलब। आप देखो इसमें 5 + 5 + 5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 कितनी बार है, 4 टाइम्स है, 4 × 5 भी लिख सकते हैं हम इसको, राइट। इन सबको भी प्लस करोगे तो आपके पास 20 आ जाएगा, 4 × 5 सब भी 20 आ जाएगा, राइट। 5 + 5 + 5 + 5 को हम 4 × 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 जो है वो 4 बार है, 4 बार ऐड हुआ है, राइट। इसका मतलब ये जो 5 है वो क्या है, साइड है, हमें क्या गिवन है, साइड गिवन है, तो इसका मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर 4 × साइड हो जाएगा, राइट। डायरेक्ट फॉर्मूला ये बनता है, तो स्क्वायर का क्या बचाएगा, 4 × साइड, राइट। उसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ओके। रेक्टेंगल क्या होता है, आपके पास इस तरह से एक शेप होगा रेक्टेंगल, जिसमें ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, राइट। ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, उसी तरह से ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, राइट। इसको हम बोलते हैं लेंथ, इसको हम बोलते हैं ब्रेथ, राइट। अगर ये लेंथ है तो ये भी क्या होगा, लेंथ होगा, ये ब्रेथ है तो ये भी क्या होगा, ब्रेथ होगा।
अब जब देखो, जब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो बाउंड्रीज को ऐड करना पड़ेगा। एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी इस तरह से बनेगा, राइट। अब देखो हमारे पास एल कितने हैं, दो बार है, टू एल लिख सकते हैं हम इसको। प्लस बी कितने हैं, दो बार है, उसको टू बी लिख सकते हैं, राइट। अब दोनों में टू टू कॉमन आ रहा है, तो हम टू को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। तो उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम एल प्लस बी लिखेंगे, जो बचा हुआ है टू को, ये जो टू है और ये जो टू है उसको हमने कॉमन बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब रेक्टेंगल का फॉर्मूला बन जाएगा टू एल प्लस बी, टू एल प्लस बी। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगल, राइट। उसी तरह से तीसरा है आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब होता है अगर आपके पास ट्राइंगल ऐसा हो जिसके सारे साइड्स इक्वल हो। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होना चाहिए, ये भी 3 होना चाहिए, राइट। तो इसको जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो 3 + 3 + 3 हो जाएगा। 3 कितनी बार ऐड हुआ है, 3 बार। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 × 3। तो ये जो 3 है वो क्या है, साइड की डिस्टेंस, साइड के मेजरमेंट्स गिवन है। तो 3 × साइड इज द फॉर्मूला फॉर इक्विलेटरल, ओनली इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ध्यान रखना, राइट। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 3 × साइड। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, कोई और ट्राइंगल है जिसके साइड इक्वल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास ट्राइंगल है, अगर ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, अलग अलग है, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको साइड्स को सम करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज पेरीमीटर, राइट। उसके बाद हम देखते हैं एरिया। व्हाट इज एरिया, एरिया मतलब होता है, ओके, एरिया मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से एक प्लेग्राउंड है। तब इस प्लेग्राउंड का एरिया मींस इस प्लेग्राउंड में जितनी भी यहाँ पे कैपेसिटी भी नहीं बोल सकते, जगह है, एरिया है, मतलब स्पेस है, ये जो है इसको हम बोलते हैं एरिया। इवन अचामजिक मी यंचेस दुख चामजिक चौंचेस दुख झरकन बो, प्लेग्राउंड में कितने लोग आ सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया। सो दिस इज योर एरिया, राइट। अब एरिया जो है उसको हम स्क्वायर यूनिट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब स्क्वायर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं मतलब क्या होता है, अगर आपके पास इसी तरह से क्या है, एक प्लेग्राउंड है, अगर आपको बोला जाए कि इसका एरिया फाइंड करो, तो हम क्या देख सकते हैं, इसको स्क्वायर यूनिट के हिसाब से, मींस अगर ये दो देख, मान लो कि दिस इज ये जो है 5 मीटर है, राइट, और ये जो है 6 मीटर है, मान लो यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, हम किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। मान लो यहाँ आप देखो, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो ये जो बॉक्सेस, छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए, वो एक एक मीटर का होगा, एक मीन यूनिट मीन्स 1 मीटर का होगा, ये जो बॉक्सेस होगा 1 मीटर, ये भी 1 मीटर का होगा, यूनिट का होगा, ये भी 1 मीटर का होगा, ये भी 1 मीटर का होगा, ये भी 1 मीटर का होगा, राइट। ये सारे जो छोटे छोटे बॉक्सेस है वो किसका होगा, यूनिट का होगा। अगर यहाँ पे मीटर है तो ये 1 मीटर का होगा, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर का होगा, अगर यहाँ पे किलोमीटर है तो ये 1 किलोमीटर का, 1 यूनिट का होगा, राइट। तो यहाँ पे मीटर है तो इसका मतलब ये क्या है, 1 मीटर का है, राइट। इस तरफ 5 होंगे, इस तरफ 6 होंगे, राइट। 6 मीटर है तो 6 होंगे, इस तरफ 5 मीटर है तो 5 होंगे, राइट। आप देखो, हमें जब एरिया फाइंड करते हैं तो इस ये जो रेक्टेंगुलर जो प्लेग्राउंड है उसमें क्या फाइंड करना है, इस तरह से छोटे छोटे 1 मीटर के बॉक्सेस कितने फिट होता है,
जब हम काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 कितने स्क्वायर यूनिट्स हो रहे हैं? 30 स्क्वायर बॉक्सेस हो रहे हैं. तो इसका मतलब इसका एरिया होगा 30 मीटर स्क्वायर. राइट, तो ये हो जाएगा आपका एरिया. आप देखो, आप अगर ये तो छोटा सा है तो इसमें इजीली हम कैलकुलेट इस तरह से काउंट कर पा रहा है. अगर आपके पास बहुत बड़ा सा चीज़ है, बड़ा सा आपके पास वो गिवन है, फिगर गिवन है, तो अगर आपका उसका स्क्वायर यूनिट, उसका एरिया फाइंड करना है, तो हम इस तरह से अगर एक एक यूनिट का काउंट करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. राइट, तो उसके लिए क्या है आपके पास, कुछ कुछ रेगुलर शेप्स के लिए आपके पास फॉर्मूला है. तो आपके सिलेबस में दो है, एक स्क्वायर का है, एक रेक्टेंगल का है. राइट, अब स्क्वायर के लिए क्या होता है, स्क्वायर के लिए फॉर्मूला आप देखो. फॉर एग्जांपल स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में ये है आपका स्क्वायर. स्क्वायर में अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा. राइट, अब देखो इस तरह इसमें भी हम देख सकते हैं, जब हम इसका डायरेक्ट हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 6, 30 आ जाएगा. डायरेक्ट हमें ये वाला 30 मिल रहा है, काउंट करते रहना नहीं पड़ रहा है. उसी तरह से स्क्वायर में जब हम साइड को साइड से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा. तो एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड. राइट, उसी तरह से रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, आप ये दिस इज रेक्टेंगल, ये आपका क्या है, ब्रेथ है, ये आपका लेंथ है. जब आप लेंथ को ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एरिया मिल जाएगा. तो इसका फॉर्मूला होगा लेंथ इनटू ब्रेथ. तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड इनटू साइड. राइट, तो ये हो गया आपका एरिया. राइट, सो ये है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मेंसुरेशन. नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.